T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है और USA पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। हालांकि USA वेस्टइंडीज के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप का को होस्ट है। अमेरिका 2 जून से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। ऐसे में ये जानना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वहां पर सट्टेबाजी की क्या स्थिति है, क्योंकि जब भी क्रिकेट में ऐसे बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत होती है सट्टेबाजी का नाम जरूर निकलकर सामने आता है। भारत में तो सट्टेबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन अमेरिका का सट्टेबाजी का इकोसिस्टम भारत से कितना अलग है, इस वीडियो में हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। अमेरिका में सट्टेबाजी की बात करें तो 1992 में फेडरल कानून के तहत स्पोर्टिंग बैटिंग पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन 2018 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये कहकर हटा दिया कि बैन के बाद भी जब पैसों का ये खेल चल ही रहा है तो इसे मान्यता दे देनी चाहिए। इसके बाद अमेरिका के 50 में से 38 राज्यों में बैटिंग को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिलने के बाद अमेरिका में बैटिंग जंगल में लगी आग की तरह से फैलने लगा। अमेरिका गेमिंग संगठन की एक रिपोर्ट की माने तो 2023 में अमेरिका के लोगों ने $119.84 बिलियन यानी कि करीब 10 लाख करोड़ रुपए की बैटिंग की थी। इतना ही नहीं, लोगों की बैटिंग में बढ़ती रुचि से अमेरिकी बैटिंग कंपनी का रेवेन्यू भी हर साल बढ़ रहा है। 2023 में सट्टेबाजी कंपनियों ने $10.92 बिलियन यानी कि करीब 90,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। अमेरिका में क्रिकेट का भी एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। ऐसे में टूर्नामेंट में भी बैटिंग की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। आइए आपको समझाते हैं कि बैटिंग किस तरह काम करती है। चलिए क्रिकेट मैच की एक एग्जांपल से ही आपको समझाते हैं। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। बैटिंग रेट भारत के जीतने पर +7,000 रुपए है और पाकिस्तान के जीतने पर +3,000 रुपए, यानी कि अगर आपने 1,000 रुपए लगाए हैं भारत के जीतने पर और आपकी टीम जीत गई तो आपको 7,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के जीतने पर आपको 1,000 रुपए लगाने पर 3,000 रुपए मिलेंगे और अगर आप हार गए तो आपको 1,000 रुपए देने पड़ जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अपने पैसों को एक स्पोर्ट्स टीम की जीत या हार पर लगाकर रिस्क लेना ही बैटिंग कहलाता है। आपको बता दें कि बैट सिर्फ मैच से पहले टीमों के नतीजों पर ही नहीं लगाई जाती। मैच के दौरान खिलाड़ियों की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस या फिर किसी ओवर में कितने रन जाएंगे, इस पर भी बैटिंग खेली जाती है। इसके अलावा एक प्लेयर मैच में कितने रन बनाएगा या विकेट लेगा, इस पर भी बैटिंग की जाती है। खास बात यह है कि भारत में ऑफलाइन बैटिंग पूरी तरह से बैन है, लेकिन ऑनलाइन बैटिंग को अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया है। इसी वजह से बाहर की कंपनियां कानून की इस कमी का फायदा उठाकर इंटरनेट पर भारत के लिए स्पोर्ट्स बैटिंग के ऑप्शन को प्रोवाइड करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की बैटिंग ज्यादातर राज्यों में लीगल है। ऐसे में USA में होने वाले वर्ल्ड कप के दौरान बैटिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। आप सभी की इस मामले में क्या राय है? क्या बैटिंग से स्पोर्ट्स इवेंट में कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं, या बैटिंग को रेगुलराइज करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।